दिस इज रुचिशा, वेलकम टू द किचन निंजा। आज की जो डिश है वो है पनीर चिली फ्रेंकी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पनीर चिली फ्रेंकी बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है सॉल्ट, ऑयल, मैदा पनीर क्यूब्स में कट किए हुए, कॉर्नफ्लावर, फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली, सूट पाउडर, ब्लैक पेपर, फ्रेशली कर्ड कैप्सिकम क्यूब्स में कट किए हुए, फाइनली चॉप्ड कैबेज, ग्रीन चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस, होममेड फ्रेंकी मसाला एंड ग्रीन चिलीज। सबसे पहले हम फ्रेंकी का डो बांधेंगे रोटी का। 250 ग्राम जितना मैंने मैदा लिया है, फ्रेश कर्ड ऐड किया है 3-4 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, अच्छे से मिक्स करना है। वाटर ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए और सॉफ्ट डो बना। ऑयल ऐड करेंगे, अब डो को अच्छे से मसलना है और 30 मिनट्स तक रेस्ट करने देंगे। अब हम पनीर फ्राई करने के लिए स्लरी रेडी करेंगे। मैदा लिया है मैंने, कॉर्नफ्लावर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे, पनीर क्यूब्स ऐड करेंगे, से मिक्स करना है। एक पैन में ऑयल गरम करने रखा है, अब हम पनीर क्यूब्स को फ्राई करेंगे। पैन में मैंने ऑयल लिया है, 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 3-4 ग्रीन चिली कट करके डालेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/2 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1/2 टेबलस्पून शुगर, शुगर ऑप्शनल है, 1/4 स्पून ब्लैक पेपर, प्लस गरम पानी लिया है मैंने। एक मिनट तक बॉईल होने देंगे। कॉर्नफ्लावर स्लरी बनाया मैंने, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, इसे भी हम ऐड करते हैं। कैप्सिकम ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पे 3 कैप्सिकम लिए हैं। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट ऐड करेंगे। फ्रेशली चॉप कोरिएंडर लीव्स, पनीर चिली रेडी है हमारा। 30 मिनट्स हो गए हैं, दो को एक बार अच्छे से वापस मसल लेंगे, थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, आप ऑयल, बटर, घी कुछ भी ऐड कर सकते हो। फ्रेंकी मसाला स्प्रिंकल करेंगे, ये होममेड मसाला है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कैसे बनाते हैं।
पनीर का स्टफिंग ऐड करेंगे। फ्रेंकी मसाला, फाइनली चॉप्ड कैबेज, अब हम प्लेटिंग करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।